जिस नौकरी के लिए आपको नौकरी करना होता है उसमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन भारत में भी आजादी हो जाता है कोई कुछ नहीं बताता है। लड़का सबका देखते हैं भी आजादी हुआ एकदम लगेगा कि नौकर बनल है एकदम, हाँ समोसा प्याज चटनी क्या खाओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस दौड़ में जा रहे हैं वो मैराथन है, अगले 50 साल तक दौड़ना है, उसके बाद डाउन होने लगेंगे, गड़बड़ा जाएगा। लड़की लोग एक चीज याद रखना ना, दो लोग आपको ना बहुत ज्यादा चढ़ाएगा लेकिन टाइम पे भाग जाएगा, एक आपके मायके वाला और एक जो फोन पे बतियाते हैं। सही बताते, बहुत सारे ऐसी लड़कियों का लाइफ खराब कर दिया उसके मायके वालों ने, चढ़ा के ऐसे होगा चल केस करते हो यहाँ पे। अरे भाले, दुनिया का कोई भी चीज याद रखिएगा आप नॉर्मल समझाने की कोशिश कीजिए, जब तक कोई चीज प्यार से समझ जाता है आपके पास कोर्ट कचहरी का रास्ता खुला रहता है, लेकिन एक बार कोर्ट कचहरी का रास्ता खुल गया कभी प्यार से नहीं समझने वाला है बिना मतलब बहुत सारी चीजों में। एक बार एक पटना हाई कोर्ट का एक मतलब वीडियो वायरल हो गया, वो करी कि मैं ससुराल जाती हूँ लेकिन सुरक्षा चाहिए, तो जज साहब कहे कि पुलिस का प्रोटेक्शन दे दे तुमको, ससुराल में सुरक्षा चाहिए यहाँ पे भी। अजीब सी चीजें हो गई है। देखिए फैमिली वाली चीजों को मैं लड़का लोग आप लोगों से कहते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना लोग, ब्याह शादी हो तो गुलाम मत बन जाना है। सुनो ध्यान से, 100 मीटर की रेस जो होती है ना उसमें जी जान लगा के पहले स्टेप से दौड़ा जाता है, समझ में, लेकिन जो मैराथन होता है ना उसको धीरे धीरे दौड़ा जाता है। तो शादी ब्याह की जो है ना ये मैराथन है, इसे आपको निभाना है एटलीस्ट 50 साल तक। तो 100 मीटर की दौड़ नहीं है, पहले इतना बढ़िया, क्योंकि उसको लगे यार ये तो पहले बहुत मानता था, मानता ही नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। और लड़की लोगों को भी समझो, कोई ज्यादा दिन तक कितना मानेगा, नहीं समझ आएगा, बदल गए हो तुम यहाँ अजब हाल है यहाँ पे, डेली कोई कितना माने। तो आपको बता रहे ना, जितने लड़कों लोग एक तो शादी ब्याह वालों के पास जितने लोग का दिक्कत होता है हमारे पास आता है ऐसे दुख लेके अपना, हाँ, और आधा मामला उसकी पत्नी का ऐसे ही शॉर्ट आउट होता है जब उसको पता चलता है खान सर के यहाँ चल गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो आओ ठीक है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये हुआ क्योंकि उसको पता है हमारे पास आएगा मोक्ष दिला देंगे ओकरा। नहीं समझाया, जैसे ठीक है यहाँ पे हाँ टेंशन खत्म है, आप उसके पास कौन जाएगा यहाँ पे, तो हमारे नाम पे इसे तनी उड़। तो आप सारे लोगों को भी कहते हैं ये ना कि लड़का सबका देखते हैं भी आजादी हुआ एकदम लगेगा कि नौकर बनल है एकदम, हाँ समोसा प्याज चटनी क्या खाओगे, ठीक है आप किसी की रिस्पेक्ट कीजिए अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस दौड़ में जा रहे हैं वो मैराथन है अगले 50 साल तक दौड़ना है, इसलिए रेस्पेक्ट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए ऐसा, या एक स्टेबल रहना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या गलती करेंगे लोग, तू भी ऐसा हो गया, उसके बाद डाउन होने लगेंगे, गड़बड़ा जाएगा। देखिए जिस नौकरी के लिए आपको नौकरी करना होता है उसमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन भारत में भी आजादी हो जाता है कोई कुछ नहीं बताता है, कोई कुछ बताता है, इसलिए हम बता दिए आप लोग पहले से।